लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको ऑन कर दें. हाँ बोल. हाँ पॉसिबल है. इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है. इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑल्सो. क्यों? कि प्लस भी तो हो सकता है. मालूम है को क्वेश्चन. हाँ जिस तरह का क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन किया ना लेवरेज में आईसीआई के प्रति, उस समय उन्होंने ऐसा माना है. एक क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, मतलब इंटरेस्ट इज नेगेटिव. तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट पे करते हैं तो माइनस होता है. इस क्वेश्चन में अगर देते हैं हम लोग इंटरेस्ट तो माइनस होता है. इस क्वेश्चन की सारी बातों को देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट हमारा गया नहीं, इंटरेस्ट आया हुआ है. तो पॉसिबल है, क्या दिक्कत है. एसपीसी में हम लोग कभी इंटरेस्ट देते नहीं, हमें इंटरेस्ट आता है. इस क्वेश्चन का ऐसा अजम्पशन है तो क्या दिक्कत है. मतलब ऐसा कुछ, ये थोड़ी ना थंब रूल थोड़ी कि इंटरेस्ट हमेशा माइनस ही होना चाहिए. मोस्ट ऑफ 99% में तो माइनस ही होता है, पर कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट पे पैसे इंटरेस्ट को देते ही नहीं है, लेते भी तो है. आज से कहूँगा ऑन. अभी क्या? ओके फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन. ओके गाइस लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये चैप्टर जो है ना, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू फोर पार्ट्स, 1, 2, 3, 4. इस चैप्टर में केडी है, एक केआर है, एक केई है और आपके लिए केपी है. चार पार्ट में डिवाइड होता है. के का मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस. इन चार पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया. ओके और ये चार फॉर्मूला जब समझ लेते हैं तो अब उसके बाद में एक चीज़ और आती है जिसका नाम है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी जिस चैप्टर में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा रिजॉल्व हो जाएगा तुम्हारी क्वेरी सॉल्व. पहले इस पे ध्यान देंगे आप. ओके केडी केआर केई केपी. ओके ये चार चीजें हैं. उसके बाद में जो है ना यहाँ पे है वैक. ओके तो पहले ये चारों को समझते हैं और ये चारों जब समझने लग जाता है तो आपका वैक भी आसानी से समझता है. वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो पहले बात करते हैं, एक बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर में है क्या, क्या चल क्या रहा है. देखो बच्चों, जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है असेट, एक होती है लाइबिलिटी. ओके फाइन. जो पैसा हम लोग यहाँ पे एफए और सीए में लगाते हैं ना, वो पैसा कहीं ना कहीं तो आता है और वो आता है हमारे कैपिटल से. समझा मैं क्या बोला? पैसा लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पैसा जाता है, यहाँ से पैसा आता है. ओके तो ये जो कैपिटल हम लोग जो लाते हैं ना, व्हाट इज द यूज ऑफ गेटिंग दिस कैपिटल? कैपिटल नहीं होगा तो इन दोनों के लिए पैसे मिलेंगे ही नहीं. इसलिए हम लोग कैपिटल लाने के अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं. कुछ पैसा हम लोग इक्विटी से लाते हैं, कुछ पैसा हम लोग डेट से लाते हैं, कुछ प्रेफरेंस से लाते हैं और कुछ पैसा हमारे रिजर्व का ही होता है, जो खुद का ही होता है, उसको रिजर्व हम लोग कहते हैं. इस चैप्टर में इन चारों की कॉस्ट निकालना है. इस चैप्टर में चारों की ये नहीं होना चाहिए कि इनके डिप्लॉयमेंट के बाद में जो हम लोग आरओआई निकालेंगे वो इन चारों से कम नहीं होना चाहिए. अगर मेरा आरओआई धंधे का 20% है और मेरी इनकी कॉस्ट है 30%, तो मैं तो लॉस में जाऊंगा, तो फिर धंधा करने की जरूरत ही नहीं. सो वेन एवर आई इन्वेस्ट फंड्स इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, आई हैव टू मेक श्योर माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ये चैप्टर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मस्ट बी लेसर देन आरओआई, देन आई विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. इफ आई
बोरो फंड्स और आई रेस फंड जिसकी कॉस्टिंग आरओआई से ज्यादा है तो मैं लॉस में हूं, पर एक बात उतनी ही सच है, अगर ये 20% यहां पे कमा रहा हूं और ये 10% हो जाए तो मेरा लॉस लॉस नहीं, मेरा लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट? तो इसीलिए दोस्तों हम जब भी कभी पैसा लाएंगे क्या होना चाहिए, मेक श्योर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस एफए और सीए से बहुत कम है। एफए और सीए से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कम होना चाहिए, तब जाकर मजा आता है धंधा करने में। सर फंड्स पहले रेज करेंगे या पहले चेक करेंगे कि कॉस्ट कितना आ रहा है और देखेंगे धंधे का आरओआई कितना है। रेज करने के समय हमेशा कोशिश होना चाहिए कि ये हमेशा कम होना चाहिए और ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये जितना कम और ये जितना ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। एवरीबॉडी गॉट इट? इसी तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके तो अब ये सबकी अलग अलग कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, इसको कहते केई, इसको कहते केडी, इसको कहते केपी, इसको कहते केआर। एवरीबॉडी कम ऑन गाइस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केडी। केडी का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी होल अपॉन एन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये क्या है, अभी तक तो आपने फॉर्मूला लिखा है उसको कैसे समझे? इंटरेस्ट की बात करेंगे मित्रों, हम लोग देते क्या है, इंटरेस्ट देते हैं। मान लो मैंने 100 रुपए पे कोई चीज को इशू कराया था, कितने रुपए पे? 100 रुपए, 100 रुपीज पे इशू कराया, इशू प्राइस। और वहां पे इशू करते समय मुझे, जैसे मैं लिखता हूं उसका फेस वैल्यू, लिखता हूं इशू को, इसको लिखता हूं फेस वैल्यू 100, ब्रोकरेज है 2 रुपया, मैंने इशू किया डिस्काउंट 5 रुपए, और मैं इसको जब रिडीम कराऊंगा तो रिडीम कराऊंगा 110 पे, और इस डिबेंचर की जो लाइफ है वो है 5 साल की, और इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट है 10% का। भारत में टैक्स चालू है 40% का, टैक्स चालू है 40% का। एवरीबॉडी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं कितने में, फेस वैल्यू इसकी 100 है, पर वो आज 5 रुपए के डिस्काउंट से लोग ले रहे हैं, यानी कि 100 की चीज कितने में बिकेगी, 95, और 2 रुपए का ब्रोकरेज भी है, यानी मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे, 93। इसी को ही कहते हैं नेट प्रोसीडिंग 93। नेट प्रोसीडिंग मतलब मेरे हाथ में एक्चुअल में कितना पैसा मेरे पास में आया, नेट प्रोसीडिंग, कितने पैसे मुझे फ्यूचर में देना पड़ेंगे, 110, उसको कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू। समझ गया? ओके, इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल, देखते हैं। आप बताओ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कितना है, 10, उसके ऊपर मैं 1 माइनस टैक्स करता हूं। सर ये क्यों कर रहे हो, 10 रुपए का मतलब 6 रुपए कैसे, इंटरेस्ट दिया कितना, 10 रुपए, कहते 10 नहीं दिया आपने, 6 दिया, क्योंकि जब मैं 10 रुपए देता हूं ना मेरे P&L के डेबिट में इंटरेस्ट आके गिरता है, और जिसकी वजह से मेरा टैक्स जो था वो 10 रुपए से, यानी मेरी इनकम जो है वो 10 रुपए से कम हो जाती, यानी कि टैक्स मेरा 10 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगने वाला था अब वो नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं इंटरेस्ट देता हूं मेरा P&L ऐसे हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 रुपए का मेरा इनकम था, मेरा टैक्स कितना है, मेरा इंटरेस्ट कितना, 10 रुपए, तो कितना पैसा बचा अभी, 90 रुपए, तो टैक्स कितने पे लगेंगे, समझ आ रहा है? तो अब मेरा टैक्स लग रहा 90 पे, यानी कि मुझे कितना देना पड़ेगा टैक्स, 36 रुपया, पर अगर ये 100 रुपए ऐसे लगता और इंटरेस्ट होता ही नहीं तो मैं 40 रुपए टैक्स देता, यानी कि इस 10 रुपए डेबिट गिरने की वजह से मेरा टैक्स जो 40 था वो टैक्स घटके 36 हुए, मैंने कितना सेव किया।
इसलिए जब भी कभी कोई कहता है कि इंटरेस्ट 10 है तो हम कहते हैं इंटरेस्ट 10 नहीं, इंटरेस्ट गया टैक्स सेविंग आया, 10 रुपए गया टैक्स सेव 4 रुपए आया, यानी कि नेट 6 रुपए खर्चा हुआ। इसलिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी कितना है, रिडीमेबल कितना, 110 रुपए माइनस हाथ में कितना आया था, कितना हुआ लाइफ, कितनी लाइफ 5 साल की, अपने हाथ में कितना पैसा आया था और हमें देना कितना है 5 साल बाद, कितना घाटा हुआ 17 रुपए का घाटा हुआ, कितने रुपए घाटा हुआ सुन के लो मेरी बात अच्छे से, मेरा 17 रुपीज का नुकसान हुआ, पर 17 रुपीज एक साल में नहीं हुआ 5 सालों में हुआ, तो कितना खर्चा हो रहा मेरा 6 रुपए तो हर साल जा ही रहे इंटरेस्ट के माध्यम से, पर ये कितना हो रहा है 17.5 3 पॉइंट, यानी खर्चा कितना हो रहा है, मेरा खर्चा 9.4 हो रहा है, बिकॉज जब मैं केडी निकालता हूं ना, केडी इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, क्या बोला मैंने कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, इफ ये कॉस्ट 1 ईयर का नहीं होता और होल टाइम का होता ना, तो मैं 17 को 70 लिखता, 17.5 नहीं करता, मैं 17.5 कर रहा हूं बाई फाइव, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर, तो ये ऐसा कॉस्ट है, समझ आ रहा है मैं क्या बोला, कितना खर्चा हुआ 9.4 हुआ, कोई शक सवाल ना, फिर क्या हुआ रिडीमेबल वैल्यू कितना है और मेरे हाथ में कितना पैसा आया, डिवाइड बाय 2 करो 10, यानी कि मेरा खर्चा है 9.40 रुपए, कितने पे 101 रुपए। एक बच्चा कहेगा सर हमारे हाथ में पैसे कितने आए, 93 आए, तो कुछ लोग कहेंगे डिवाइड बाय 93 करो, कुछ लोग कहेंगे अरे सर पर देना तो 110 है डिवाइड बाय 110 करो, हमें खर्चा लग रहा है 9.4, कोई कहेगा 93 पे खर्चा 9.4, कोई कहेगा 110 पे खर्चा, तो एक काम करते हैं इसका मीडियन निकालते हैं, 93 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 आएगा आपके पास में 101.5, यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ आंसर कितना है, 9.26 क्या है मेरा केडी है। एक बात ध्यान से सुनना, सुनो मेरे वीरो, एक दो बातें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं मैं, जब कोई ये कहता है कि 93 लिखना, 93 लिखना, 93 नीचे लिखना, 93 नीचे लिखना, और कोई कहेगा 110 लिखना, हमारा बुक कहता है ये जो मेथड हम कर रहे हैं ना, दिस मेथड इज अप्रोक्सी मेथड, क्या बोला अप्रोक्स मेथड, इस मेथड का नाम है अप्रोक्स, ये 101 लिखना ये शॉर्ट शॉट नहीं है, ये निकाला हुआ एक, क्योंकि हमें कितना पैसा उपयोगी हो रहा है आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं कितने पैसे ले रहा हूं सामने वाले से 93 दे रहा कितना हूं, वो जो 17 रुपए है ना और जो ये 3.40 रुपए है ना, ये इसके हर साल जमा होते, यानी कि थोड़ा समझाओगे, 100 रुपए की चीज है सुनो, और ये 105 रुपए देना है मुझे रिटर्न में, आज कितने पे लिया मैंने, एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, और लाइफ कितनी है 5 साल की लाइफ है, मुझे बताओ क्या बोलना चाहेंगे इसमें, इसका यह अर्थ होता है कि आपको जो सामने वाले को जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है ना 5 साल बाद, वो 5 साल बाद नहीं दिए जाते हैं, इसका अर्थ होता है इट हैज टू बी 5/5, हर साल 1 रुपया उसको देना चाहिए, मैं कितने ले रहा हूं आपसे 100 रुपए, देना कितने मुझे आपको, यानी कि मैंने आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो 5/5 कितने होते, यानी आपका आपका हर साल मेरे ऊपर 1 रुपया ड्यू हो रहा है,
पर हम लोग अपने क्लेरिकल काम बचाने के वास्ते आपको 105 एंड में दे रहे, वरना कायदे से मैंने क्या करना चाहिए, एक साल हुआ एक रुपया रख, दूसरा साल हुआ दो रुपया रख, तीसरा साल हुआ और एक रुपया, ऐसे करते 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 हर रोज हर साल एक एक रुपया, यानी एक पर आपका एक रुपया मेरे पास जमा रह जाता है, अगले साल मेरे एक और एक दो रुपया मेरे पास आपके पैसे जमा रहते, वो आपकी अमानत है जो मैंने आपको देना चाहिए। इसलिए पहले साल तो मैंने भले ही आपका 100 रुपया यूज किया, पर दूसरे साल 100 नहीं, मैं आपका 101 रुपया, एक रुपया था पर दिया नहीं, तीसरे साल 1 रुपया और जमा हो पर मैंने दिया, तीसरे साल और 1 रुपया मैंने दिया, चौथे साल 1 रुपया और, आखिरी साल तो मैंने 105 यूज की। अब इसका मिला के हुआ क्या, वो क्या करता है, बोलते काम करो डिवाइडेड बाय क्या करो, उसका मीडियन निकाल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, सुनो जरा, ये कुछ तो भी आएगा समवेयर समवेयर बिटवीन 102.5 वगैरह कुछ आएगा, बट आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझा आपको, कि जब कोई इंसान अड़ जाएगा ना कि हमने सिर्फ 100 ही रुपये यूज किए, ये मेथड बोलता 100 नहीं यूज किए, आपने नेट प्रोसीडिंग किया 100 रुपये, आपने सामने वाले को दिए 105 रुपये, डिवाइडेड करो 2 रुपया, 100 + 105 डिवाइड बाय 2, 102.5 बराबर है, यानी कि मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपका 100 रुपये नहीं यूज कर रहा हूं, 102 दिखने के लिए 100 दिख रहे, पर आपका जो 1-1 रुपया जो एक्री हो रहा था वो भी तो मैंने नहीं दिया, तो मैंने कभी कभी आपका पैसा 101 रुपया यूज किया, कभी 102 यूज किया, कभी तो 103 यूज किया, कभी तो 104 यूज किया, कभी तो 105 यूज किया, इसका मतलब मैं तो आपको 102.5 रुपये यूज कर रहा था। इसलिए उन्होंने अप्रोक्स एक काम करा, बोले सब लफड़ा छोड़ो, हर बार ये कौन करते बैठेगा इतना सब तमाशा, RV + NP/2 कर दो हमेशा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एन अप्रोक्स मेथड, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, ये कर दो मोटा मोटी सही आएगा, अप्रोक्स वर्ड मेरा नहीं है, मॉड्यूल खोल के देखना, नाम ही अप्रोक्स मेथड है, ठीक है ना। तो ये हुआ, आपको क्या समझा रहा था मैं कि RV + NP/2 क्यों आता है, नहीं तो हर बार क्या लड़ोगे, सर अपने को मिले कितने, 93 मिले ना, तो 93 रखो, 93 नहीं लिखूंगा मैं, 93 + 110 / 2 यानी कि मैं इतना लिखूंगा, अंडरस्टूड दिस। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल है मेरा, यहां पे मैंने 5 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज मैं कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा एक साल की निकालता हूं, यानी मेरा खर्चा एक साल में 17 रुपया नहीं है, एक साल में खर्चा 3.4 है। एक बात पूछूं आपसे, ये जो 3.4 जो है, जैसे इंटरेस्ट को P&L के डेबिट में लिखा जाता है, टैक्स से हो जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर 3.4 भी तो P&L का आइटम है, अगर ये P&L है तो वहां भी तो टैक्स से होना चाहिए, और उसका जवाब भी सही था। ये मान के चलते देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड एज अ P&L आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड एज बैलेंस शीट आइटम। इफ अगर ये RV - NP को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रेवेन्यू और एक क्या, तो क्या होगा, रेवेन्यू होगा तो ये P&L में जाएगा, और ये होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, और आप ये अजम्पशन ले लोगे तो आपको टैक्स से होगा, इसलिए आप ब्रैकेट में 1 - टैक्स लिखोगे। यहां पे लिखेंगे तो आपका कोई भी टैक्स सेविंग नहीं हो रहा, इसलिए आप यहां पे 1 - टैक्स। अक्सर हमारे क्वेश्चन में हम इसको इजी बनाने के वास्ते यही मानते हैं, इट इज नो टैक्स, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट राइट, वी डोंट पुट। वैसे इनकम टैक्स के रूल में आज की तारीख में इसको क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए इसको 1 - टैक्स नहीं लिखा जाता। पर FM एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ना कि सिर्फ भारत के लिए बना है, कल्चर के CA करोगे इंडिया में, काम करोगे अफ्रीका में, वहां पे बोलेंगे P&L आइटम है, तो आपको फॉर्मूला में बाजू में यहां पे 1 - टैक्स लिखना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है आपके CA बनने तक नया अमेंडमेंट आ जाए, बोलेंगे एक इसको रेवेन्यू मानो, तो आपको उस केस में चिपकाना पड़ेगा। तो ये आपको सूझबूझ वाली बात है कि आपको कब 1 - टैक्स चिपकाना है, पर ये बात तो श्योर शॉट है कि इंटरेस्ट हमेशा P&L का आइटम रहेगा। अगर ये RV - NP को अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले तो यहां पर 1 - टैक्स नहीं होगा। अगर उसको रेवेन्यू माने, P&L आइटम माने, तो उसके बाजू में 1 - टैक्स आएगा। दिमाग है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड, नाइस, ऑसम।
अभी मैं क्या assumption किया यहां पे? वेरी गुड, समझ गया. ओके गाइस, गॉट इट. तो ये एक हुआ आपका किडी. पर दुनिया में डिबेंचर्स दो टाइप के होते हैं. कितने टाइप के? एक होता है दुनिया में केडी जो है एक है रिडीमेबल, एक है इरिडीमेबल. समझते हो मतलब क्या है? जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं जरा बताओ, रिप्लाई करो, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिडीमेबल यानी कि रिडीम होता है. अगर मैं आज इशू करूंगा तो 5 साल बाद आपसे आज पैसे लिए तो 5 साल बाद वापस दे दूंगा, 10 साल बाद वापस दूंगा, उसको रिडीमेबल में एक बार जो आपने पैसा दिया. इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट, बोलो आप जल्दी से, 1 माइनस टैक्स. ये नया स्टाइल है सर. ओके यार, यहां पे फॉर्मूला इतना ही है, बिकॉज यहां पे आरवी की बात ही नहीं, बिकॉज पैसा वापस लौटाना ही नहीं है. तो कौन सा आरवी और कौन सा यहां पे रिडीम ही नहीं है, इसलिए फॉर्मूला बिकम्स वेरी सिंपल. इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय सर. एग्जांपल जैसे आपका फेस वैल्यू था 100, ब्रोकरेज थी 3 रुपया, 3%. आपका एनपी था, नहीं एनपी में क्यों बोल रहा हूं, आपका एट पार था, कोई डिस्काउंट नहीं था, और आपका इंटरेस्ट है 20%, और आपका वो कितना है टैक्स. चलो बोलो इसको, ये कैसे आएगा आंसर? सर इंटरेस्ट कितना है 20, 1 माइनस टैक्स कितना है, एनपी कितना है, जस्ट अ मिनट. बोलो क्या आंसर आएगा इसका? एनपी कितना लिखू? 97. सर एनपी का मतलब क्या? नेट प्रोसीडिंग एक्चुअल में हाथ में कितना है? अच्छा मैं 100 रुपये यूज कर रहा हूँ, 97 तीन तो ब्रोकर्स ने ले लिया ना इशू कर, तो मेरे हाथ में नहीं, तो 97 पे मैं कितना खर्च कर रहा हूँ? 20 ब्रैकेट में 0.6 यानी कि 12 यूज कर रहा हूँ, यानी 12 रुपये का खर्चा आ रहा 97 पे. परसेंटेज पे निकालने के लिए 100 से करेंगे, आंसर कितना आएगा? समझ गया, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग सेम चीज करेंगे केपी के साथ. दुनिया में दो टाइप के होते हैं प्रेफरेंस. एक होता है रिडीमेबल और एक होता है रिडीमेबल इररिडीमेबल. बोलो जल्दी से भाई. इन लेक्चर को ध्यान से देखिए, हम लोग पूरी कंसेप्चुअली बिल्डिंग करा रहे हैं, बहुत भारी लेक्चर है, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा अच्छे से हो जाएगा. ओके रेस्ट अश्योर्ड सब लोग आप पास हो जाएंगे आराम से. ध्यान दो कंसेप्चुअली, एक एक चीज में फर्क है, मतलब हम लोग फॉर्मूले को रट नहीं रहे, समझ रहे वो क्या बोल रहा है. यहां पर क्या बात कर रहे हैं? चलो सबसे पहले इररिडीम की बात करते हैं. केपी इज इक्वल टू
preferential dividend upon NP. So it to say yes, because it is not redeemable. और रही बात preference dividend is not the part of P&L account, तो one minus T का सवाल ही पैदा नहीं होता. Preference dividend is the part of appropriation of profit. It is not the item of P&L account. तो ये tax save करता ही नहीं है, इसलिए bracket में one minus tax होता ही नहीं है. One minus tax तो वहां पे लिखते हैं जहां पे आपका tax save होता है. Is it okay guys? Okay, next. और सर इधर का formula क्या आएगा? KP, PD, RV, NP upon N whole upon RV plus NP upon 2. 2 का concept क्यों है? ये वही concept है जैसा हमने average निकाला. KD में भी डिवाइड बाय 2 किया था ना, RV प्लस कॉन्सेप्ट वही है दोनों का. अच्छा एक बताओ, यहां पे 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं है? PD के ब्रैकेट में टैक्स नहीं सेव हो रहा. RV माइनस NP डिवाइड बाय N क्यों है? बिकॉज ऑफ KP इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, और ये जो डिफरेंस आता है इट इज द डिफरेंस ऑफ होल लाइफ टाइम, इसलिए उसको उस लाइफ से डिवाइड करते हैं ताकि आपको एक साल का खर्चा मिले. समझ आए? ओके, नाउ बोलो क्या करेंगे आगे. चलो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं. करेंगे, बोलो करेंगे. चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड किसी का है फॉर एग्जाम्पल उतना, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 10%. आपका ब्रोकरेज है 3%. आपने इशू किया डिस्काउंट पे, डिस्काउंट था 20%. आपका रिडीमेबल वैल्यू है 110. टैक्स की जरूरत नहीं है, लाइफ है 10 साल की. एक बात पूछूं, पीडी कितना है? तो 10 का 10 ही लिखूंगा. आरवी कितना है? फ्यूचर में 110 देना है. माइनस क्या करूं, आज कितना पैसा मिला मुझे? डिस्काउंट कितना है बताओ, एग्जैक्टली ब्रोकरेज की अमाउंट कितनी है? ब्रोकरेज 80 पे काउंट होगा या 100 पे? क्यों 80 पे आएगा ना? अरे 100 रुपए पे फेस वैल्यू है, इशू हुआ 80 रुपए पे, 20 रुपए, 20 रुपए ना. तो ब्रोकर्स को, जिस ब्रोकर ने मुझे इशू करने में मदद की है, तो उसको 80 का 3% दूंगा ना. सिंपल, 3% आंसर इज इनकरेक्ट. ब्रोकरेज होगी सिर्फ 3 रुपए. कभी भी ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलती है. सोचो ना जरा, मान लो इसका 100 रुपए की चीज कल चेक 10 रुपए में बिका, ब्रोकरेज बोलेंगे मुझे हलकट समझ रहा है क्या? 100 रुपए की चीज तेरी हलकट, तेरी कम नहीं वाहियात, इसलिए 10 रुपए में बिकी, तो 10 रुपए का 3% 30 पैसे देंगे मेरे को? जग मारने का काम करो तेरी कंपनी के लिए. मैं कौन है? वो तेरी कंपनी कल्चर के मान लो प्रीमियम में भी बिक गया तो तू मुझे प्रीमियम पर देता? 100 रुपए की चीज 400 में बिकती तो 400 भी देता क्या मुझे? नहीं ना, 100 रुपए विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे वो प्रीमियम में जाए चाहे डिस्काउंट पे जाए, ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा. दिमाग में डाल देना हमेशा. बोलो आरवी. एनपी कितना है भैया? 20 क्या 27 23, यानी कितना है? 77. आगे बोलो क्या करूं, डिवाइड बाय कितने से? 10 साल से. और इधर डिवाइड बाय 2 से. बस जो भी आएगा आएगा आंसर. What is the answer? 14 point. सब लोग वही कह रहे हैं. मयूर, आदित्य, खुशी, everyone is saying 14.22. Guys, समझ आ रहा है? कोई शक सवाल आपको इसमें? Now, everybody. चलो भाई, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस जगह पे जिसका नाम है KR. सर KR का मतलब क्या? रिजर्व. सर अपने पास जो खुद के पास पैसे होते हैं, क्या उसकी भी कोई कॉस्ट होती है?
सुनो जरा, कई लोगों को लगता है मैं अपने ही कंपनी का कैपिटल अपने ही कंपनी के रिजर्व से कर रहा हूं, तो रिजर्व की कैसे कॉस्ट हो सकती है? वाकई में रिजर्व की तो कोई कॉस्ट नहीं, अगर मैं अपने खुद के ही पैसे यूज कर तो कौन सी कॉस्ट हो गई? तो वैसे तो कई लोगों को मानना है कॉस्ट होती नहीं, पर अब आप समझना पड़ेगा कॉस्ट कैसे होती है। सोचो कंपनी का ईपीएस था 100, ओके, और डीपीएस दिया 40, रिजर्व कितना हुआ? 100 रुपए कमाए थे, दिए कितने? 40, तो रिजर्व कितने हुए? शेयर होल्डर क्या बोलेगा, भाई ये 100 में हमने कमाए, ला हमारे को। तो मुकेश जी ने बोला यार हमारे पास पैसे रहने तो आपके, हम कंपनी में ग्रो करेंगे, विल यूज दिस फंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, लेट्स यूज दिस। शेयर होल्डर क्या बोलेगा, रखो। शेयर होल्डर बोलेगा सुनो साहब, मैं इस पैसों से, अगर आपने मुझे पैसे दे दिए होते ना, तो मैं इसके ऊपर कम से कम 20% कमाता। अगर आपने ये पैसे दिए होते तो मैं 20% कमाता, कम से कम उतना तो देना पक्का, रखना तो रखो, पर मुझे उतना पैसा ला के देना जितना मैं स्वयं कमा सकता था। तो इसलिए क्या हुआ, इसकी कॉस्ट बन गई है, यानी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 20, यानी कि अगर आपको ये 60 रुपए रखना तो रखो, वो 60 रुपए में 20% कमा के देना। इसलिए केआर इज बिकमिंग केई, नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा, बोल रहा कैसे भाई, 100 रुपए अपने कमाए, दिए कितने, कितने नहीं दिए, किसके पैसे वो? तो शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, रखना तो रखो पर मुझे कमा के देना उतने जितना मैं कमा सकता था। तो शेयर होल्डर आम जिंदगी में शेयर मार्केट में 20% कमाता है, एग्जाम्पल, तो क्या बोलेगा, भाई एक तो मुझे दे दे, मैं खुद 20% कमाऊंगा, या तुम रख लो तो तुम कमा के दो। तो इसलिए KR इज इक्वल टू K, मतलब 20%। KR यानी कि रिजर्व की कॉस्ट, KE यानी शेयर होल्डर कितना कमा सकता था। इसलिए यहां पे आया KR इज इक्वल टू KE। अब यहां पे एक फॉर्मूला है, थोड़ा चेंज हो जाएगा यहां पे, KR इज इक्वल टू KE ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स। सर ये क्या सीन है, कभी कभी ऐसा हो सकता है वो 20 रुपए जो कमाए है ना इसने, किसने, शेयर होल्डर ने, उसके ऊपर अगर टैक्स ही नहीं होगा तो शेयर होल्डर कह रहे मैं तो 20 कमाता, टैक्स भी नहीं लगता, तो मुझे 20 कमा के दो। कभी कभी क्या होता है, वो जो 20 रुपए कमाता है ना, वो उसके ऊपर भी शेयर होल्डर को, अगर शेयर होल्डर को ये पैसे हम दे देते और शेयर होल्डर कहीं लगाता तो शेयर होल्डर कितने कमाता, 20 रुपए कमाता, पर 20 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल उसको 30% टैक्स होता तो कितने कमाता, 20 माइनस 30% यानी 14 कमाता, तो कंपनी ने कम से कम 14 कमा के देना चाहिए उसको, नहीं समझे? अरे यार कभी कभी जो पैसे शेयर होल्डर कमाता ना उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा तो फिर KR इज इक्वल टू KE, पर शेयर होल्डर कमाता है 20, उसके ऊपर भरता है 5 रुपए टैक्स, तो उसके हाथ में एक्चुअल में कितने आते हैं, तो कंपनी से भी उसने कितने उम्मीद करना चाहिए, 15 ही करना चाहिए। इसलिए क्या लिखता है कि अगर वो कमाता 20 और अगर वहां पर टैक्स रेट चल रहा है 40 का तो कितना हुआ ये, हम तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व निकाले ना, हम KR निकाल रहे, KR तो KR इज इक्वल टू KE, वो कितना कमा सकता था, 20 रुपया। सर ये दोनों में क्या फर्क है, यहां पे आपने कहा KR इज इक्वल टू 20, फिर ये कैसे कम हो गया? अरे भाई इसमें अजम्पशन है कि वो नॉन टैक्सेबल है, उसको टैक्स नहीं लगता, यहां पे लग रहा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को अगर टैक्स लगता तो कंपनी भी क्या बोलती, भैया तू 20 रुपये कमाता पड़ते तो 8 रुपये टैक्स लग रहा, हमसे क्या को 20 मांग रहा, तू भी खुद भी तो कमाता 20 पर, तेरे हाथ में तो एक्चुअल में 8 या 12 ही आते, तो तू हमसे भी 12 ही मांग ले। अरे बोलो तू अकेले में कितना कमाता, 20 माइनस 8 करता, तो हमसे भी रिजनेबल मांगना 12, तो हम लोग ने कितनी कमाई करके देना चाहिए फिर कंपनी को। इस केस में शेयर होल्डर को कंपनी ने अगर रिजर्व यूज कर रहा है तो रिजर्व यूज करने की कॉस्ट कंपनी कितनी होगी, 20 रुपए, मतलब कम से कम 20 रुपए तो कंपनी ने। सर पर अगर मान लो कंपनी ने 20 रुपए नहीं कमाए तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से शेयर होल्डर बोलेगा इस कंपनी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, भाड़ में जाए, मैं एक कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
सी यू नेवर एक्चुअली मेक द पेमेंट ऑन रिजर्व. तुम समझो कि रिजर्व के ऊपर एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट बांटना नहीं पड़ता है. इट इज जस्ट एन अजम्पशन इन द माइंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि मुझे इतना कमा के देना. अगर नहीं कमाएंगे ना अगले बार बोलेगा ए ये रिजर्व रख रख यहाँ पे सारा के सारा डिविडेंड मुझे मार जितना कमाएंगा ला. फिर अगली बार क्या बोलेंगे 100 रुपये कमाए ना ला 100 रुपये क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं पैसे कमाने की. अगले एजी में कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा. तो कंपनी क्या करती है ना बहुत सारा पैसा जैसे रिलायंस ने बहुत सारा पैसा अपने इसमें रखा है तो रिलायंस उससे क्या लगता है 5G का कंपनी लाया अभी वो हॉटस्टार को खरीदा जियो को लॉन्च किया अभी अलग अलग एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स करते हैं. तो इफ द कंपनी डजेंट डू इट तो कंपनी विल नॉट गेट फंड्स फॉर द एक्सपेंशन. समझे आपको सर ये कौन सा टैक्स है? ऑब्वियसली पर्सनल टैक्स. कभी भी क्वेश्चन में दो टैक्स दिए रहेंगे एक कॉर्पोरेट टैक्स एक पर्सनल टैक्स. अगर वो केआर की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो टैक्स दिए रहेंगे एक पर्सनल टैक्स यानी कि वो टैक्स जो यहां पे आता है. कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा किसके लिए होता है? जब हम लोग जो अभी ये करते हैं ना ये वाले जो होता है ये करते ना दिस इज अ कॉर्पोरेट टैक्स. ये कॉर्पोरेट टैक्स ये कौन सा है? ये उसके हाथ में है ना उसको कितना टैक्स लगता है ये उसका टैक्स है. पर्सनल टैक्स ये आपका पर्सनल टैक्स. बिल्कुल सही. चलो आगे बढ़े. एवरीबडी गॉट इट? कम ऑन नेक्स्ट. कहां पे हूं मैं अब? मैं आपको केपी हो गया मेरा, केआर हो गया मेरा, केडी हो गया मेरा. अब मैं जाऊंगा केई पे. कहां जा रहा हूं मैं? केई. केई में 6 बच्चे होते हैं. सबसे पहले आता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच. डिविडेंड प्राइस अप्रोच प्लस ग्रोथ. फिर आता है अर्निंग प्राइस अप्रोच. फिर आता है अर्निंग प्राइस अप्रोच प्लस. फिर आता है एक CAPM. लास्ट में क्या आता है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. 6 टाइप्स है हमारे सिलेबस में. 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं. ओके. इन अलग टाइप के कॉस्ट ऑफ इक्विटी को देखा जाता है हमारे सिलेबस में. सबसे पहले देखेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच. कैसे निकालते हैं इसको? यहाँ पे K इज इक्वल टू D1/P0. यहाँ पे K इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी. यहाँ पे आता है KE इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर प्लस 1/P0 और इसमें आता है K इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर. ये 4 फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें. ये और ये फॉर्मूला आपको सेम लगेगा, ये और ये सेम लगेगा. समझ आ रहा है? चल ओके. ओके गाइस इधर देखो. मैंने किसी कंपनी में पैसा डाला. मैंने डाला रिलायंस में 3,000 रुपये एक शेयर के पीछे. रिलायंस ने मुझे उसके ऊपर 300 रुपये का डिविडेंड दिया तो मैंने कितने पैसे कमाए? इसको ही बोलते हैं के ई एज पर द व्हाट? डिविडेंड प्राइस अप्रोच. क्या फॉर्मूला इसका? के ई इज इक्वल टू D1/P0. What is the meaning of D1? आज मैं पैसे डाल रहा हूं आज डिविडेंड नहीं मिलता. आई इन्वेस्ट फंड इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आई एंटाइटल टू गेट द डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर. अगर आप अभी पैसे डालोगे डिविडेंड में, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है, मार्च 24. तो आपको मार्च में तो पैसे नहीं मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग डिविडेंड समवेयर इन जून. तो इसलिए आपका फाइनेंशियल तो खत्म होने के होता है, यानी कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में पैसे डालते हो, आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिलता है. तो इसलिए हम पैसे लगाते 0 ईयर पे, डिविडेंड मिलता है अगले साल. पैसे लगाए थे 23-24 को, डिविडेंड मिला 24-25 को. समझ आया? इसलिए ऑलवेज यू राइट P0. इतने लगाए थे उस पर कितना मिला? लगाए थे 3,000, मिले 300, यानी कि 10%.
सर ये क्या है? ये कहता है कि अगर कभी भी कोई कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, जब पैसा लगाते हैं तो वी ऑलवेज इन्वेस्ट फंड्स फॉर द परपेचुअटी. तो आज हम लोग पैसा लगाते हैं P0, हमें D1 भी मिलता, हमें D2 भी मिलता, हमें D3 भी मिलता, हमें DN भी मिलता, यन नंबर ऑफ इयर्स के लिए. जैसे वॉरेन बफेट कहता है कि मैं पैसे लगाता हूं पर मैं कभी कोई कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए पैसा नहीं लगाता हूं. वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है अभी हाल ही का, वो बोलता है मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ, इतना पैसा है, आई एम नॉट एबल टू इन्वेस्ट, मार्केट बहुत ही हाई चल रहा है, बट जब मैं पैसा लगाता हूं आई इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. कोका कोला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, वॉरेन बफेट ने जब से लिया आज तक बेचा ही नहीं. और यही एक वजह है इतना ज्यादा वॉरेन बफेट का नाम है. समझ आ रहा है क्या कहूं मैं? वॉरेन बफेट जैसे लोग P0 लगा के D1 की उम्मीद नहीं करते, वो D2 की नहीं, वो D3 की नहीं, DN की उम्मीद करते कि जो मैंने पैसा लगाया मुझे ना कि सिर्फ अगले साल का डिविडेंड मिले, एन नंबर ऑफ इयर्स के लिए मैं हूं तब तक भी और मैं होने के बाद भी मुझे डिविडेंड मिलता रहे. पर जरूरी नहीं कि हर साल का डिविडेंड हमेशा, आप यहां तो 3000 लिख दोगे ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, पर अगर आपने 100 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, मतलब आपको D1 पे अगर 300 रुपये मिल रहा है और आपने 300 लिख दिया, इसका अजम्पशन क्या है? यानी कि D2 पे भी 300 आएगा. आप मान रहे हो जिंदगी में हर साल तक कंपनी सेम कॉन्स्टेंट डिविडेंड देंगी, इट्स नॉट लाइक दैट. डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ. इसलिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते समय भले ही यहां पे D1 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, पर यहां पे लिखते हैं अलग से ग्रोथ. तो यहां पे क्या लिखते हैं, 300/3000, और यहां पे ऐड करते हैं ग्रोथ. ये अजम्पशन है कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा होगा. समझ गए? एक बात पूछूं, अगर मैं यहां का D1 लिख रहा हूं 300 रुपये, एक बच्चे ने कहा 10% ग्रोथ हो रहा होगा, तो सर एक काम करो आप ये हटा दो. हाँ, आप ये हटा के एक काम करो, इसको क्या करो 330 कर दो. बोला क्यों? ग्रोथ हुआ ना, इसका मतलब क्या हो गया, आप मान रहे हो सिर्फ अगले साल ही ग्रोथ हो रही है, पर ग्रोथ यहाँ पे परपेचुअटी हो रही है, हर साल ग्रोथ हो रही है. और मैंने ऐसे कंपनी में पैसे लगाए जैसे एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, हर साल ग्रोथ दे रहा है, तो हर साल डिविडेंड तो आगे जाएगा इसका, तो मैंने उसका तो प्रॉफिटेबल, उसका जो मुझे ग्रोथ हो रहा है, आई जस्ट कांट राइट D1 एंड गो, आई हैव टू राइट D1/P0. जी ग्रोथ कितना है मान लो एग्जांपल 10%, तो इधर भी 10% और इधर भी 10%. बताओ पहले वाले में 10% आंसर आया था, इसमें 10+10 क्यों हुआ, इसमें क्यों डबल हुआ? यहां पे तो 10% ही था, यहां पे 20 कैसे हो गए? क्योंकि ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात कहता हूं, जैसे अपन कोई घर में जाते हैं, कोई घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो हमें दो चीजें मिलती है, एक रेंट मिलता है, एक प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी तो मिलता है. तो ये जो 300 ये रेंट है, ये 10% आपकी प्रॉपर्टी की हुई ग्रोथ है, आपको दोनों भी मिल जाती है. समझा मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए उसको अलग से लिखते ग्रोथ एक साथ. जब हम शेयर्स परचेस करते हैं तो ना कि सिर्फ हमें डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड के साथ में प्राइस गैप भी मिलता है, इसलिए हम जी को बाजू में रखते हैं. जैसे कि मैंने रिलायंस में पैसे डाले हैं, 2500 से डाले हैं, 250 मेरा डिविडेंड है, तो आप कहेंगे 10% कमाए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली गेम तो बाजू में है. मैंने 2500 का 3000 बनाया तो 20% तो वहां मिले मुझे, तो आप क्या कहेंगे, सर ने 10% कमाए कि 30% कमाए? इसको 20% बाजू में लिखा जाता है. समझा? वो G/P0 नहीं होता है, वो सिर्फ ग्रोथ ही होता है. वो तब परसेंटेज ग्रो हुआ, अपने को तो डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो प्राइस गैप को आप सिर्फ परसेंटेज में निकालो. 2500 का शेयर अगर मान लो 3000 हुआ तो मेरा कितना टक्के बढ़ा? 20%, तो 20% अलग से लिखना पड़ेंगे, और 10% तो डिविडेंड मिल ही रहा हर साल, तो 30% हुआ क्या? नहीं, वैसे उसको बोलते हैं
केई। सर ये केई क्यों निकाल रहे? अरे भाई जब भी मैं किसी कंपनी का आईपीओ लाऊंगा या जब भी कोई प्राइवेट इक्विटी लाऊंगा या वेंचर कैपिटल से पैसा लाऊंगा, जब मैं शेयर से इश्यू करके पैसा लाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए शेयर इश्यू करने की कॉस्ट अच्छी है या कहीं मैं काम करता हूं इश्यू ही नहीं करता हूं, मैं डेट से पैसा ले लेता हूं। तो मैंने के ई से पैसा लेना चाहिए या के डी से लेना चाहिए, डिपेंड्स उनकी कॉस्ट कैसे आ रही है, इसलिए कॉस्टिंग पहले निकालते फिर निर्णय होता। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? समझ गया? हेलो गाइस, हेलो। अभी जैसे ही जो लॉजिक आपने यहां पे लगाया था जी का, वही तो इधर भी है और वही तो इधर भी है। अरे ये, अरे सर चारों, ये सर ये डी वन लेता है, एपीएस वन लेता है, अरे दोनों का थ्योरी अलग है, दोनों भी फॉर्मूला सही है। एक बोलता जो डिविडेंड हमारे हाथ में आता वही हमारा प्रॉफिट होता है, एक कहता जो डिविडेंड आता वो भी तो हमारा प्रॉफिट है, और जो कंपनी उसके साथ में जो रिजर्व रख लेती है वो आज ना कल तो हमें ही मिलने वाला है, वो भी तो हमारा ही, इसलिए उसको ईपीएस पूरा अखा ईपीएस वो अपना प्रॉफिट मानती है, इसलिए उसको अर्निंग प्राइस अप्रोच बोलते हैं, उसमें ईपीएस वन अपॉन 100। सर एग्जामिनेशन में कौन से फॉर्मूले से करेंगे? अरे बच्चों वो लिख ही देंगे, डिविडेंड प्राइस अप्रोच से करना है या अर्निंग प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस से करना तो डी वन अपॉन पी जीरो, और अर्निंग प्राइस बोला तो ईपीएस वन अपॉन पी जीरो, और ग्रोथ बोला तो डी वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ, देन ईपीएस वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ। समझा? कम ऑन एवरीबॉडी, अब हम लोग करेंगे सी ए पी एम, उसके बाद करेंगे रियलाइज यील्ड अप्रोच। सी ए पी एम क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ अपॉन, अरे अपॉन क्यों लिखा मैंने, अपॉन लिखने की आदत हो गई मेरे को। मित्र सुनो जरा, ये अच्छा है समझने लायक है। अगर सोचिए मेरे पापा जी को मैंने बोला, जो मेरे पापा एफडी के बड़े शौकीन हैं, उनको एफडी में लगाने का शौक है, बोलते हैं मैं बैंक के एफडी से 8% लाता हूँ। मैंने कहा पापा आज के बाद में एफडी में नहीं, मैंने कहा पापा आज एक काम करते हैं, आज हम अपना रोल चेंज करते हैं, आपको सिर्फ मैं जो भी बोलूँगा आपको पापा बोलना है, ठीक है? बोले बेटा एफडी 8% का चल रहा है और अब एक काम करते हैं इन पैसों को, पापा एक काम करते हैं इन पैसों को इन पैसों को इन पैसों को इन पैसों को रिलायंस में लगाते हैं। और बोला रिलायंस भी 8% ही देगा। पापा ने बोला वो जूता ला मेरा, इधर लाओ, देखता है कैसे आवाज करता है। अगर एफडी में 8% दे रहा है और अगर मैं रिलायंस में भी रिस्क लेके अगर 8% लाऊं तो मेरे जैसे मूर्ख नालायक कोई नहीं। जब मैं किसी कंपनी में रिस्क टेक करके रिस्क ले के भी अगर उतना ही रिटर्न ला रहा हूं तो मैं क्यों रिस्क फ्री में नहीं जा रहा हूं? अगर मैं रिलायंस में जा रहा हूं और उसके बाद में अडानी में, तो फुल ऑन रिस्क है। पापा ने पहले तो भी जूता मंगवाया था, पापा अड़ाने में लगाता उधर भी 8%। बोले वो विंडो खोलो, दरवाजा खोलो, बैल्कनी का दरवाजा खोलो, वहां से जंप लगाओ नीचे, देखो आवाज आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, आप ये है इसका फॉर एग्जांपल बीटा वन, ये बीटा टू, इसका बीटा एक है, इसका रिस्क की कंपनी है, जितना रिस्क ज्यादा होगा आप यहां पर 8% से ज्यादा उम्मीद करोगे, है ना? और इसके ऊपर रिलायंस से भी ज्यादा उम्मीद, जितना ब्रिज ज्यादा, यानी अगर यहां पे 10% से कुछ हो जाएंगे तो यहां पे 12% तो मांगेंगे अडानी में।
तो कभी भी किसी कंपनी से आपको कितना रिटर्न चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना चाहिए, यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिलायंस में, अडानी में, तो पहली बात तो मैं तो उतना तो करूंगा ही ना जितना आर एफ, यानी कि आठ तो उम्मीद करूंगा ही करूंगा, पर मैं वहां जाके जो रिस्क ले रहा हूँ, जो बीटा ले रहा हूँ, बीटा यानी कि रिस्क ले रहा हूँ, बीटा यानी कि रिस्क ले रहा हूँ, तो उस बीटा के हर बीटा के प्रति मुझे कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं रिलायंस का बीटा मान लो एक है, तो मैं एक लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मान लो रिलायंस का बीटा एक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आर एम माइनस आर एफ। मान लो सुनो जरा इसका कॉन्सेप्ट क्या, इसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, यानी कि शेयर मार्केट पे अगर मैं सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में पैसे लगा रहा हूँ और निफ्टी का 12% का रिटर्न है, निफ्टी यानी कि निफ्टी का बीटा हमेशा एक होता है, एट वन बीटा, आपको पता है निफ्टी का बीटा हमेशा वन होता है, बताओ किसका रिस्क ज़्यादा होगा, एफ डी का कि निफ्टी का? एफ डी का रिस्क बहुत कम है, बिकॉज वो तो पैसा शॉर्ट शॉर्ट आना ही है, निफ्टी से शेयर मार्केट ड्रिवन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, आप बजा भी सकते हैं, पर निफ्टी की जो सारी कंपनी के बास्केट है ना, उन सब का मिला के एवरेज एक बिट्टा होता है। कितना बिट्टा होता है? एक बिट्टा। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं रिलायंस में जा रहा हूँ और रिलायंस का बिट्टा, फॉर एग्जांपल रिलायंस दो बिट्टा पे, कितने बिट्टा? दो बिट्टा। तो आप मुझे बताओ जो एफडी था, एफडी उनका कितना था? 8%, वो कितने बिट्टा पे था? जीरो बिट्टा। थोड़ा सोच के बताओ, मान लो दुनिया में फॉर्मूला ही नहीं है, तो अब रिलायंस पे कितने पैसे एक्सपेक्ट करोगे? अगर एफडी का रेट 8 है, निफ्टी इंडेक्स में लगा दो 12 मिलेंगे, निफ्टी का बीटा 1 है, एफडी का 0 बीटा है, यानी कि अब रिलायंस का बीटा अगर 2 है, तो अब 12 से कम चाहेंगे रिलायंस में कि 12 से ज्यादा? अगर रिलायंस 12 से कम दे रहा है ना, तो मैं इज्जत से निफ्टी में डालूंगा, मतलब रिस्क लेने के बाद मैं कम मांगूंगा ज्यादा, तो मतलब कितना ज्यादा मांगना चाहिए? आंसर दो। टू बीटा तो कितना? आंसर गलत, 24 वाले 16 होना चाहिए। हमेशा आपको देखना पड़ता है, एक बीटा बढ़ने से आपका 4% बढ़ा है, तो एक से दो है तो और 4% बढ़ेगा, तो यानी कि आपको रिलायंस से उतना तो मिलना ही चाहिए। समझा मैं क्या बोला? समझ आया मैं क्या बोला? रिलायंस साहब 16 की उम्मीद कर, इसको इसी फॉर्मूले में कैसे डालते हैं? आरएफ तो मिलना ही चाहिए, और अगर सामने वाले कंपनी का बेटा 2 है, तो मार्केट कितना दे रहा? मार्केट मार्केट दे रहा 12, एफडीपी कितना मिल रहा है? 8, यानी आपको 4% का फायदा होता है आप जब एफडी छोड़ के शेयर मार्केट पे जाते हो, तो एक बीटा बढ़ गया। शेयर एम मतलब निफ्टी है, मार्केट मार्केट यानी निफ्टी, निफ्टी का बीटा कितना है? और एक बीटा यानी कि एक बीटा रिस्क लेने से आपको कितना फायदा हुआ? तो दो बीटा लेने से कितना होगा? तो इसीलिए ये 8 तो मिलना ही चाहिए, और ये 8 होगा यानी कि 16 मिलना चाहिए। चलो अडानी में कितना, अगर अडानी का 4 बीटा तो क्या बोलेंगे आप? सर 8 तो मिलना ही चाहिए, बाहर 4 लिख देता हूँ, बाकी तो सब सेम ही है, इनका 12 है, इनका 8 है। मतलब क्या हो रहा है? जितना ज्यादा रिस्क होगा इन्वेस्टर उतना ही ज्यादा उम्मीद करेगा, इसलिए तो हम लोग स्मॉल कैप से ज्यादा उम्मीद करते हैं। स्मॉल कैप इज लिटिल रिस्की देन द लार्ज कैप मिड कैप, दैट्स व्हाई वी डू एक्सपेक्ट मच मोर, आर के विल बी ऑलवेज हायर। पर मैं जब बहुत ही बड़े कंपनी में लगाता हूँ, ICICI, HDFC, इन्फोसिस, TCS, तो ऐसी कंपनी थोड़ी सी बहुत सेट कंपनी होती है, इतना बीटा हाई नहीं होता, तो इसलिए मैं चलो ठीक है। पर अगर मैं स्मॉल में चला जाऊँ, और स्मॉल भी अगर मुझे कम दे रहा, तो फिर मैं स्मॉल क्यों जाऊँगा, मैं बिग में लगाऊंगा। ये कैसा, बस हर किसी कंपनी का बेटा बीटा दिया रहता है, वो बीटा लेने का और लगा देने का, बाकी आरएफ वो बड़ा आरएफ कहाँ से लेने का? आरएफ तो बाजार में लेगा ना, एफडी का रेट क्या चल रहा है? आरएफ हमेशा आपको देखना, पिछले 5 साल का सीएजीआर कितना है, निफ्टी का सीएजीआर, वो आपका आरएम आएगा। हो गया बीटा किसी कंपनी ने, तो बीटा कैसे निकला? हर कोई कंपनी का इंटरनेट पे लिख दो बीटा ऑफ रिलायंस, आ जाएगा बीटा। समझ गया? चल एवरीबॉडी गॉट इट? ये पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? अब पढ़ेंगे अब रिया।
रिया क्या बोलता हूं मैं, अगर आपने रिलायंस लिया सुनो, अभी मैंने हाल ही में जियो फाइनेंस लिया था, कुछ 233 का पड़ा हुआ है मेरे पास, जियो फाइनेंस, ये है उसका P0, आज उसकी प्राइस चल रही 320 लगभग, वो भी 335-340 जाके आया। अगर ऐसे समय मुझे देखना है कि मुझे कितना पैसा मिलता है, तो मुझे दो चीज़ें मिलती है, एक तो D1 मिलता है और एक P1-P0/P0। मैं जियो फाइनेंस में पैसे लगाया तो पहले चेक करूँगा मुझे डिविडेंड कितना मिला। मान लो मुझे डिविडेंड ₹20 मिला है, P1 कितना हुआ, ₹320, और मान लो ये हमारा P0 भी क्या है, ₹220, ठीक है, तो मुझे कितना फायदा हुआ रे, 20 भी फायदा हुआ और 100 भी हो, कितना फायदा हुआ, 100, पर लगाए कितने थे मैंने, कितना मिलेगा, 54% समथिंग, इसी कहते रिया अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कहते हैं इसको, कि मुझे डिविडेंड कितना मिला और दोनों का प्राइस क्या कितना है। सबसे सटीक चीज यही लगती है मुझे, मतलब वीकनेस मुझे तो ये यूजलेस लगता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूजलेस क्यों है बताओ, और अर्निंग प्राइस भी यूजलेस क्यों है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है सिर्फ डिविडेंड, अरे क्या हमको डिविडेंड, अरे डिविडेंड तो मैं देखता भी नहीं, आप भी देखते हो डिविडेंड, मैं तो आज तक डिविडेंड देख के कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया क्या, अगर सिर्फ डिविडेंड के मोहताज नहीं हम लोग, हमको तो मलाई ही हमारी प्राइस गैप में आती है, डिविडेंड को कौन देखता है, कितने लाखों रुपए जमा हो रहे डिविडेंड का सोचता भी नहीं मैं, क्या होता है प्राइस गैप इज इंपॉर्टेंट। डिविडेंड देती भी क्या है कंपनी, डिविडेंड के लिए थोड़ी ना पैसे लगाता है कोई, डिविडेंड भी मिलना चाहिए साथ में प्राइस गैप, इसलिए रियलाइज इल अप्रोच मुझे अच्छा लगता है ढंग का, जो दोनों बातें बोलता है, भाई एक बार देख लो आपकी प्राइस गैप कितना मिला है, डिविडेंड कितना मिला है, अच्छा नीचे 220 क्यों लिखा मैंने, उतना लगाया ना उतने पे मिला, इसलिए बेस तो 220 ही आएगा। मित्रों सारे के सारे फॉर्मूला आई थिंक आपके दिमाग में फिट, सारे के सारे फॉर्मूला एक बार बोल के बताएंगे, इसको द रियलाइज इल्ड अप्रोच। एवरीवन कम ऑन, आर यू रेडी दोस्तों, आप करेंगे सारे फॉर्मूला को रिवाइज। आपके सामने पहला फॉर्मूला है KDE, ब्रैकेट में बोलो इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 minus tax plus RV plus RV minus NP upon N whole upon RV plus NP upon। ये था रिडीमेबल, अगर मैं इसको रिडीमेबल में लेके जाओ, रिडीमेबल सर ये रिडीमेबल का था, इरिडीमेबल आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 minus tax whole upon NP, बराबर है। केपी का फॉर्मूला बगैर देखे बोल सकते हैं, देखना मत, हाँ बोलो पहले इरिडीमेबल बोलो, केपी के अपन आप प्रेंटर वो देते हैं उसको, क्या देते हैं आप उसको, प्रेफरेंस डिविडेंड देते, तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस नहीं सी प्रेफरेंस डिविडेंड होल अपॉन क्या आएगा एनपी, तो पीडी अपॉन एनपी, पर अगर उसको रिडीम करना है तो पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन होल अपॉन एन होल अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन टू, देख लो एक बार ये बोल रहे थे आप करो केआर की बातें, अगर सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा कोई पर्सनल टैक्स, तो के आर इज इक्वल टू के ई पर्सनल टैक्सेबल, उसके हाथ में टैक्सेबल है, बोलो क्या होगा, के आर इज इक्वल टू के ई ब्रैकेट में 1 minus tax। अब चलो 6 फॉर्मूला को याद करो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, D1 upon P0 और डिविडेंड प्राइस अप्रोच प्लस ग्रोथ, D1 upon P0 प्लस ग्रोथ, अर्निंग प्राइस अप्रोच, EPS 1 upon P0 अर्निंग प्राइस अप्रोच प्लस ग्रोथ, EPS 1 upon P0 प्लस डी रिया अप्रोच, जो अभी रियलाइज दिखा हमने, D1 plus P1 minus P0 whole upon P0
और वो CAPM RF प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर RM माइनस RF, दैट्स इट। यहां पे याद रखना ये RM और इसको रिस्क प्रीमियम कहते हो, कहते लिख दो RM माइनस RF इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम, बिकॉज आप बीटा ले रहे हो ना, तो बीटा के ऊपर आपको रिस्क प्रीमियम मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम एवरीबॉडी। अगर मैं आपसे कहता हूं EPS 1 DPS 1 क्यों लिखते हैं, व्हाई दे डोंट राइट, यहां पे इस फॉर्मूले में D1 क्यों लिखा है, क्योंकि आप पैसा अभी लगाते हो, डिविडेंड आपको अगले साल मिलता है। यहां पे प्रेफरेंस में पीडी के ब्रैकेट में 1 माइनस टी क्यों नहीं आया, इट इज नॉट टैक्स, इट इज नॉट द आइटम ऑफ पीएनएल, इसलिए टैक्स सेविंग नहीं होता। यहां पे एनसी क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज हम लोग केपी केडी हमेशा एक सालों के लिए, एक साल। आप बताओ इसमें क्यों लिखा हमने 1 माइनस टैक्स क्यों लिखा, बिकॉज इट इज द आइटम ऑफ पेंडल। क्या हम यहां पे कब 1 माइनस टैक्स लिखेंगे, जब आरवी माइनस एनपी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, पर अभी इस फॉर्मूले हमने उसको कैपिटल माना है। हर एक फॉर्मूला अपने अपने विशेष चीजों को लेकर आता है, उनके अजम्पशन पे फॉर्मूला बनाते हैं। कभी वो चलिए लगता है तो जो अच्छा समझे। चलो मेरा नोट्स, चलो आपको जैसे मैंने कहा था वैसे आपने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस रफ्तार के, कितने लोगों ने किए सारे कल पूरा, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। बोलो जैसे वो वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मुझे दिखा देना बस थोड़ी देर में दिखा देना, ये लेक्चर होगा ना आप मुझे दिखा दो। चालू करें, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 5 years अगो सोना लिमिटेड इश्यूड 12% ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103 एट 3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू। अच्छा कितने में इश्यू किया था भैया, 103 में। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर 94। इफ द कंपनी पेस कॉर्पोरेट टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 35% कैलकुलेट द करंट कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छी बात है, क्या लिख रहा है रे, लिख क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये सब बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ।
आपको करंट निकालना है, करंट। 5 साल पहले क्या हुआ था उससे कोई घंटा मतलब नहीं मुझे। आज कितने, 100 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 94, इंटरेस्ट कितना है 12, हाँ, और रिडीमेबल भी नहीं है, इररिडीमेबल है। फॉर्मूला यही आएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स NP, इंटरेस्ट कितना है 12 का 12 आ गया, 1 माइनस टैक्स तो टैक्स आएगा, और एनपी कितना है सर, वो 103 वाला क्यों दिया, गुमराह, और कुछ नहीं, सिर्फ गुमराह करके आपको फंसाना चाहते हैं आईसीए के लोग। उस डेटा की जरूरत ही नहीं थी। ओवर आज निकालो ना, करंट निकालो, तो करंट क्या है 94 में जा रहा है, 100 रुपए की चीज 94 में जा रही है, समझे आप भाई साहब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, रेडी गाइस, अरे बोल दो भाई। कंपनी इश्यूज 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1/4/2012 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2022। ओ नो, 2012 में इश्यू किया, 2022 के लिए 10 सालों के लिए। अब इनको खुजली देखो, द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन, अब इनको बीच में से ही मालूम करना है 2017 में, अभी 2017 में बैठे हैं, तो केडी कब का निकालना है आपको, 2017 का निकालना है। वेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर कितना है, अभी 80 में चल रहा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर। समझा क्या हुआ, केडी क्या है, इरिडीमेबल की रिडीमेबल, फॉर्मूला बोलो, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस RB माइनस NP अपॉन N होल अपॉन RB प्लस NP अपॉन 2। पहले बता दो एनपी कितना है, अपने हाथ में 80 आए तो एनपी कितना हुआ 80। अपने को फ्यूचर में वापस कितना देना है, कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि इसको आपको 100 का 100 देना है, उस पर इंटरेस्ट कितना है 10%, टैक्स रेट कितना है, तो हो गया ना आंसर में क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, एन 5 साल। भैया 2017 में बैठा है ना, तो कब रिडीम होगा वो, 22 में, तो 5 साल बचे ना, क्यों मतलब आज है ना, आज मैं 80 में बेच रहा हूँ उसको, तो कौन से साल में कैलकुलेट कर रहे हैं, आज के पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, लिखा ना कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर, आज के तारीख में क्या रेट है, समझा क्या, इसमें क्या कैच था, आपको आज का लेना एनपी 80 का, बाकी तो सब कुछ नहीं, फॉर्मूला में डालना है और कुछ नहीं है। आपको आया करते इसका निकालो, वैसे करके देखो आपका आता है क्या आंसर, कैन यू प्लीज फाइंड आउट, क्या इंटरेस्ट कितना है 10, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स कर दो, आरबी कितना है 100 माइनस NP कितना हो 100 माइनस 80 होल अपॉन कितना है 5 साल, और आरबी प्लस एनपी यानी कि 100 प्लस 80 अपॉन 2। दो पल का बोलो आंसर क्या है, 11.6, सभी का आंसर वही आ रहा है क्या, 11.6 आ रहा है याद सभी को, समझ आ रहा है सब कुछ। चलो ये भी कर लो क्वेश्चन 8, इफ आर एनर्जी इज इश्यूइंग प्रेफर्ड स्टॉक, अभी के प्रेफरेंस के बारे में है, विद स्टेटेड डिविडेंड 12, फ्लोटेशन कॉस्ट 3, केपी निकालो, अरे इरिडीमेबल है भैया, पीडी अपॉन एनपी, पीडी कितना है 12, एनपी कितना है 100 में से गए 3, कितना है 97, तो 12 अपॉन 97 12.37 क्या हुआ भैया,
अरे कितने पैसे आए अपने को, 100 आए कि 97 आए? 97, तो एनपी कितना 97 है, उसके ऊपर कितना खर्चा है 12, तो 12 अपॉन 97 आ गया आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लो। 9, एक्स वाई जेड लिमिटेड इश्यूज 2000, 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट 95 लिखा है। अच्छा 95 एनपी है क्या उसका? द कंपनी प्रपोजेस टू द रिडीम, यानी रिडीमेबल है एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी कि लाइफ उसकी 10 साल है, तो बोलो क्या होगा? हाथ में कितने पैसा है? 95। देना कितने हैं? फ्यूचर में 100 देना। लाइफ कितने साल की है? 10 साल की। और प्रेफरेंस डेट कितना? 10। तो करो, लिखो फॉर्मूला में, घुसेड़ दो फॉर्मूला, बोलो। पीडी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। बस ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक मशीन होती है, मशीन में डाल दो कुछ बाहर निकलेगा। अरे हुआ के भैया, अरे समझ आ रहा क्या आपको? अरे बोलो भैया कुछ। इस चैप्टर में केडी केपी केआर केई करना है, फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट चीज आपने कर ली है, आपको फॉर्मूला हमने रटे भी, हमने समझ के ले लिए सारी चीजें। सोचो हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, एवरीबॉडी बहुत आगे जाएंगे, पूरे एफएम में रॉक करेंगे। एक बार मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आप सब कोई भी क्वेश्चन रॉक से, कोई भी क्वेश्चन रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो, वंस यू अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं, द कंसेप्ट। ओके, आज के लिए काफी है गाइस, रिमेनिंग जो भी होगा वो हम लोग कल करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कम कल करेंगे, उसके साथ में हम लोग वैक वैक भी करेंगे। वैक 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 समझता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं थोड़ा सोच रहा हूं क्लास के टाइमिंग के बारे में, आपका इसके पहले कब लेक्चर होता है? होता है क्या उसके पहले? अच्छा, मतलब है ही है लेक्चर अभी शाम में है क्या? अर्ली मॉर्निंग कब चालू होता है? चलो ठीक है, देखते हैं। आपका और मेरा कुछ अकाउंट से क्लैशिंग है क्या, अगर मैं शाम में अकाउंट्स लेता हूँ वही 7 बजे? तुम अकाउंट्स अकाउंट्स में भी हो क्या? चल देखते हैं, कोशिश करेंगे कल वही चालू करेंगे अपने टाइम पे। कोई बात नहीं, अपना भी तो हो जाएगा 10 दिन में। चलो गाइज टेक केयर, बाय, है ना? लगे रहना, कल हम लोग फिर से वापस इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, अराउंड 4:35 के बीच में स्टार्ट करेंगे, एंड देन पूरी तरह से कल पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म करने की कोशिश कल करेंगे। लगे रहना, बने रहना, हम लोग इस तरह से सारे चैप्टर्स को अच्छे तरह से डिटेल्ड में अंदर घुस के रिवाइज करते रहेंगे। फॉर्मूला को ना कि सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि फॉर्मूला को अंदर से समझेंगे, ताकि फॉर्मूला क्लास में हो जाए। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन भी इसी वीडियोस के साथ में आपके समाप्त होंगे, यानी कि दिस इज द कंप्लीट रिवीजन, आप अच्छे से रॉक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।